कृत्रिम गर्भधारण की कई विशेषताओं में नस्ल सुधार भी शामिल है, और अगर गर्भवती गाय के खान पान एवं उसके नियमित उपचार पर ध्यान दिया जाए तो इससे बच्चा देने के बाद आने वाली समस्याओं से भी बचा जा सकता है। विदेशी नस्ल की गायें हमारे यहाँ के तापमान को सहन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से बढ़ते बयान के साथ साथ उनके गर्म होने के लक्षण कम दिखाई पड़ते हैं। हालांकि संकर नस्लों में ये समस्या कम देखने को मिलती है। इस तरह की विदेशी नस्लों के लिए कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक बेहद उपयुक्त होती है और उन्हें सफलतापूर्वक गर्भधारण कराया जा सकता है। जो किसान भाई देशी की जगह एक अच्छी नस्ल की बछिया चाहते हो तो इसके लिए कृत्रिम गर्भधारण ही एक उत्तम विकल्प है। नस्ल का सुधार कृत्रिम गर्भाधान से ही हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ हमारे देशी गाय तो ज़्यादा दूध नहीं दे पाती है। अगर हम विदेशी गायों अच्छे अच्छे नस्ल के, इवन हमारे देश के कुछ अच्छे ब्रीड्स हैं, साहिवाल, फिर हमारे रेड सिंधी है, फिर गिर है, इन गायों से अगर हम अपना क्रॉसिंग करवाते हैं और क्रॉस से जो नस्ल पैदा होगा 50% अच्छे जात के जो गाय हैं उनका ब्लड रहेगा, तो अमूमन जो है दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। आमतौर पर अधिक दूध पाने की इच्छा से किसान भाई बछड़ा देने के बाद ही गाय को भरपूर आहार देते हैं, जबकि 8 से 9 महीने की गाभिन होने के समय से ही उसे संतुलित आहार देना चाहिए। इससे गाय की सेहत तो अच्छी होती ही है, साथ ही इस समय अच्छे खान पान देकर आप गाय को दूसरी बार गर्भधारण करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। गाय को सही पोषण देने के लिए मेंटेनेंस व प्रेगनेंसी राशन की उचित मात्रा निर्धारित करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि बच्चा देने के 3 सप्ताह पहले से ही अगर गाय को हर हफ्ते विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, सेलेनियम और फास्फोरस की सुई लगाई जाए तो उसे कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब आपकी गाय 8-9 महीना की गाभिन अवस्था में है या वो बच्चा देने वाली है, उस समय से इसका अगला बच्चा पकड़ने का जो ट्रीटमेंट है वहीं से शुरू होता है। बहुत कोई क्या करते हैं कि बच्चा देने के बाद वो लोग बहुत खिलाते पिलाते हैं क्योंकि उसको दूध मिलेगा, लेकिन यही खिलाना जो है अगर वो बच्चा होने के 1-1.5 महीना पहले से शुरू करे, उतना नहीं जो मतलब हम लोगों का राशन है, हम लोगों का एक प्रेगनेंसी राशन होता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठकर वो उस समय तो वो दूध नहीं देना चाहिए क्योंकि वो ड्राइंग कर दिया जाए, दूध सूखा दिया जाता है, तो दूध सूखा दिया जाएगा तो उसका फिर लगेगा सिर्फ मेंटेनेंस राशन और प्रेगनेंसी राशन। ये दो राशन अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के तय कर लिया जाए और उसको बढ़िया से खिलावे तो वो ज़्यादा फायदा देगा बच्चा देने के बाद खिलाने के कंपैरिजन में। और इसमें एक और चीज़ मैं कहूँगा कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, सेलेनियम और फास्फोरस एंड कैल्शियम, ये सप्लीमेंटेशन लास्ट 3 वीक, बच्चा देने का लास्ट 3 वीक में अगर आप हर हफ्ता एक सुई अगर लगाएं तो आपको बहुत सारे बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, जैसे कि आपका मिल्क फीवर हो गया या किटोसिस हो गया या फिर आपका जड़ ना गिरना, बच्चा होने के बाद जड़ नहीं गिरता है, वो भी आपको इंसिडेंसेस घट जाएंगे, और बच्चा फंस जाना डिस्टोकिया वो भी आपको कम होगा।